नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। हम अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जितने ज़्यादा वर्ड हमारे रेगुलर काम में आते हैं उन वर्ड को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। तो इस वीडियो में 20+ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। पहला वर्ड है लड़खड़ाना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टम्बल, STUMBLE। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और अक्षर काम आते हैं, अपन कहते हैं ना वो लड़खड़ा गया या लड़खड़ा कर गिर गया। तो आप कैसे, यानी कि उस वर्ड को स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। एक होता है गाइज उतरना, तो उतरना के लिए हम लोग यूज करते हैं बहुत ही सिंपल सा वर्ड है गेट ऑफ, GETOWF। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। एक वर्ड होता है अपन कहते हैं ना साकार कर देना, सच कर देना, तो अपन कहते हैं सपने साकार कर दिए। तो सपनों का तो पता है मगर सच कर देना या साकार कर देना के लिए स्पेलिंग होती है METERIALIZED, मेट्रलाइज। अगला वर्ड है शोर शराबा, अपन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो कर अवल बोलते हैं KERFUFFLE। एक होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है ना, कम बोलने वाला, जिसको अपन लोग बोलते हैं अल्पभाषी या अंतमुखी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन लोगों ने वर्ड लिया RETICNT। आप बोलते हैं एक भक्ति मंडली होती है, यानी कि भक्त मंडली जिसको बोलते हैं, भक्त मंडल का जो समूह होता है, तो सिंपल सा वर्ड बना है CHYR। कई बार कोई व्यक्ति होता है ना, अपन कहते हैं यार वो पास से गुजर गया, बगल से निकल गया, तो उसको बोलते हैं पास बाई, PASSBY। अपन कहते हैं यार आलू वगैरह के छिलके उतार लो, तो छिलका उतारने का मतलब क्या होगा, तो आपको याद होना है PELOWF। पी लो होता है छिलका उतारना। और हम कहते हैं कम से कम इतना तो कर देते, तो कम से कम के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एटलीस्ट, ATLEAST। बहुत सारी वीडियोज हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, अगर आप लोग वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेंगे, और अब और भी हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर के कॉमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है कि लापरवाही को क्या बोला जाता है, तो NEGLIGENCE। तो अगला, कोई काम किसी पे थोपता है तो थोपना को बोलते हैं इम्पोज, IMPOSE के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, IMPOSE। अगला होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या बोलें, फॉर ए वाइल। बहुत ईजी है, आपको याद भी होगा आई थिंक, नहीं याद है तो अब याद कर लेना। और होता है थोड़ी देर में, एक होता है थोड़ी देर के लिए और एक होता है थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में के लिए बोलेंगे इन ए वाइल। और धीमी आँच, अपन कहते हैं ना भाई धीमी आँच में सीखना इसको या धीमी आँच करके रखना, तो हम बोलते हैं सिमर, SIMMER, सिमर। सिमर का मतलब होता है धीमी आँच, क्या होता है, धीमी आँच। अगला होता है निराश होना, निराश होना को बोलते हैं लेट डाउन, LETDOWN। लेट डाउन का मतलब होता है निराश होना, क्या होता है, निराश होना। और याद दिलाना को क्या बोलते हैं, रिमाइंड, REMIND, बोलते हैं ना रिमाइंडर लगा लो याद। एक होता है बीनना, जैसे अपन लोग दाल वगैरह में से कुछ बीनते हैं। और एक होता है लोई पेड़ा, आप लोग जब वो आटा लगाते हो ना, आटा लगा करके उसके लोई या पेड़े बनाते हो रोटी से बेलने के लिए, तो उसको बोलते हैं टक बॉल, ठीक है गाइज, सिंपल सा वर्ड है। एक होता है सजाना, भोजन बनाने के बाद अपन सजाते हैं तो उसको गार्निश बोलते हैं, दाल को लेंटिल बोला जाता है, तड़का लगाने के शौक, ठीक है गाइज। तो जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ।